हेलो भाई, मैं हूँ बेताल। स्वागत करता हूँ आपका अपनी एक नए वीडियो में। मतलब ठंड का मौसम चल रहा है और आज तारीख हो गई है 26 दिसंबर। तो टाइम हुआ है सुबह के 10:55। देख सकते हैं आप यहाँ, मतलब इतना ज़्यादा कोहरा चल रहा है यार। तो कोहरे में गाड़ी चलाना कुछ मज़ा भी आता है और थोड़ा यार डर भी रहता है। क्यों? नंबर एक तो यार फॉग लाइट ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ती है। मतलब फॉग में लाइट ऑन करके गाड़ी चलानी पड़ती है यार। कुछ लोग जो हैं अपना फॉग के चक्कर में लाइट चेंज करा लेते हैं। सोचते हैं कि जो LED आ रही है, वाइट LED आ रही है, उसमें फॉग जो है काटते हुए अच्छी रोशनी से दिखेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्यों फॉग भी वाइट होता है और जो लाइट लगती है वो भी वाइट होती है। तो यार थोड़ी कारगर साबित नहीं होती है जो भी हम लोग लाइट वगैरह चेंज कराते हैं। मैंने यार अभी अपनी अपाची में फिलिप्स की तरफ से आता था जो बल्ब, वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके चेंज कराया। तो यार दिन में तो रात में तो मुझे दिक्कत नहीं होती थी जब तक कोहरा नहीं पड़ता था। लेकिन कोहरा पड़ने के बाद उसकी विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। क्यों? वाइट रोशनी तो यार इतना दिखता भी नहीं था मुझे कोहरे में। और अब तो जैसे कि ये है बैगनार, तो मॉडल है 2014 के आसपास ये मॉडल है, तो इसमें अभी पीली लाइट लगी है। तो यार ये गाड़ी चलाते हैं तो आराम से मुझे कोहरे में भी दिखता रहता है। लेकिन यार जब से लाइट अपाची में मैंने सफ़ेद चेंज कराई है LED, तो थोड़ा उसे चलाने में दिक्कत आ रही है। वैसे नॉर्मल है, धूप मौसम रात में अगर फॉग वगैरह नहीं है तो अच्छा दिखता है। और बस यही होता है यार, जितने ज़्यादा फॉग है तो लाइट भी मेरी ऑन है, मतलब हाई बीम नहीं लो बीम पे चल रही है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं हैज़र्ड वगैरह ऑन करके ही चला रहा हूँ। स्पीड भी वही है 30-40, और आगे कोहरा भी अच्छा खाता है क्योंकि पास में ही नहर जा रही है, तो पानी के चक्कर में थोड़ा फॉग वगैरह ज़्यादा होता है। बाकी यार चल तो रहे रोड पे। अब आप देख सकते हैं कुछ बाइक वाले तो नॉर्मल सही चलते हैं और कुछ बाइक वाले जो हैं अपनी लाइट भी बंद करके चलते हैं। तो यार डर इनका ही सबसे ज़्यादा रहता है कि यार लाइट बंद करके तो चला रहे हैं, अगर हल्के चल रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, पास आएंगे दिख जाएंगे। लेकिन स्पीड में होते हैं ना तो बिल्कुल पास आ जाते हैं, तब गाड़ी बचानी पड़े, तब ये डर लगता है कहीं ऐसा ना हो यार गाड़ी में आके घुस घुस आ जाए। अब जैसे कि एक टुक टुक चल रहा है आगे, वॉक में गाड़ी चलाओ यार तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेके गाड़ी चलानी पड़ती है क्योंकि यार हर तरफ से दिक्कत, एक तो विजिबिलिटी कम होती है ऊपर से फॉग, और फिर कुछ लोग गाड़ी ऐसे चलाते हैं जिनका यार कुछ पता ही नहीं चलता यार लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे। अभी भी जब मैं आ रहा था इस तरफ से तो एक लेडीज स्कूटी चला रही थी, मतलब सामने उन्हें बस भी दिख रही थी कि बस आ रही है, लेकिन उन्होंने फिर भी बस को इग्नोर किया, बस लाइट जला के अपना हैज़र्ड वगैरह ऑन करके आ रही थी, बस को इग्नोर करके उनने अपनी साइड में गाड़ी घुसेड़ दी। तो मतलब बस वाला अच्छा था जो उसने बस काफ़ी ज़्यादा स्लो कर ली जिससे स्कूटी वाली मैडम आराम से निकल जाए। तो यार यही होता है, लोग निकल तो जाते हैं कि यार कोहरा है तो आराम से हल्के हल्के निकल जाएंगे, लेकिन दिक्कत सबसे ज़्यादा ये होती है कि आप चला तो रहे हैं लेकिन कोहरे में आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है यार, अपनी साइड रॉन्ग साइड, और फिर आगे से जो बंदा आ रहा है यार उसे तो दिखेगा भी नहीं, और फिर बस में तो लाइटिंग थोड़ी कम ही होती है। आज लग नहीं रहा क्यों मौसम इतना ज़्यादा हमारी तरफ ख़राब है यूपी में, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में, कि लग नहीं रहा कि यार जैसे आप सामने देख रहे हैं बाइक आ रही है, मतलब इतनी पीली लाइट है तो ये इतनी रोशनी इसमें दिख रही थी कि यहाँ सामने से बाइक आ रही है। अगर वाइट LED होती है ना तो बहुत ही नाम मात्र की दिखती है, जब वो पास आ जाती है हाँ तब पता चलता है यार कोई बाइक आ रही है। देखिए यहाँ पे साइकिल बीच में रोक रखी है, क्या ही कहें इन लोगों का यार, कि पता नहीं यार क्या देख के लोग गाड़ी रास्ते में रोक देते हैं, बाइक वगैरह साइकिल सब कुछ रास्ते में। यार रास्ते में रोकना तो थोड़ा साइड से लगा के आप रोक लो यार, ये थोड़ी ना होता है कि आप बीच में लगा के रोक लेंगे तो यार पीछे से जो बंदा आ रहा है बाई चांस अगर वो नहीं देख पाया तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस टाइम मौसम बद वही हो रहा, तापने वाला लोग अपनी दुकान है घरों के आगे लकड़ी जला के आराम से ताप रहे हैं ग्रुप में 3-4 लोग इकट्ठा होके। और भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है कि कोविड जो है बढ़ने वाला है, तो 5 शहरों में तो कोविड की गाइडलाइन आ चुकी है, जैसे दिल्ली में तो नाइट का कर्फ्यू लग गया, बाकी अभी डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में तो अभी कुछ पता नहीं चला है यार। बाकी उत्तर प्रदेश में 106 के आसपास एक्टिव केस हैं, बाकी देखते हैं जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं कहीं ऐसा ना हो दोबारा 2 साल पहले या 3 साल पहले वाला माहौल दोबारा क्रिएट हो जाए।
नाइट कर्फ्यू प्लस दिन में भी कर्फ्यू लग जाए। अब अभी देखिए मतलब आ रहे हैं सामने, दोनों तरफ से इधर से भी निकाल रखा है उधर से भी निकाल रखा है। ज़्यादा मतलब ड्राइव करने में गांव का जो एरिया होता है, जैसे कि शहर से थोड़े लगे हुए गांव में अगर जाना पड़ता है तो वहां ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहां पे यार सब बच्चे वगैरह रोड पे ही खेल रहे होते हैं, चाहे ठंडो चाहे गर्मी। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं लोगों की होती है यार कि इधर उधर ना भाग खड़े हों। बाकी हाईवे पर भी दिक्कत है यार कि कहीं ऐसा ना कुछ थी कि बंदे की गाड़ी ख़राब हो और वो रास्ते में हैज़र्ड ऑफ करके खड़ा हो, तो यार हर जगह दिक्कत। आप फॉग में बस यही, आप अपनी स्पीड मेंटेन रखिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप अगर नॉर्मली चलेंगे जैसे बिना फॉग में चलते थे, स्पीड में फॉग में स्पीड में चलेंगे तो यार दिक्कत उठा जाएंगे। जैसे अभी देखिए यार अच्छा खासा फॉग पड़ रहा है यार, देखिए मतलब बहुत ही कम विजिबिलिटी है फॉग में। सामने बिल्कुल पास से नहर है, मतलब रोड से लेफ्ट साइड में देखेंगे तो नहर है, तो उस वजह से कुछ ज़्यादा कोहरा है इस तरफ। और इस राइट साइड में बस खेती खेते हैं, जो कि अभी गन्ना कटा है, अब धान वगैरह जो भी बोया जा रहा होगा, धान गेहूँ जो भी चल रहा है, बाकी खेतों में भी पानी चल रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ कुछ ज़्यादा ही कोहरा पड़ रहा है।